काफी लंबा समय हो गया। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि 400 तो बहुत दूर की बात है, अगर 200 भी पार हो जाए वो बड़ी बात होगी। आठवीं जनता के हाथ में दुष्यंत चौटाला तो ऐसे नेता बन गए हैं कि जैसे एक बार शोले आता ना, मैं जो घर जाओ कुछ घर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, अब उनकी पार्टी तो कुछ इधर गई कुछ इधर गई, सब पीछे मुड़ के देखे कुछ बताया नहीं है। हुड्डा साहब ने करण दलाल के साथ क्या कर दिया सर? आपको पता मुझे क्यों पूछ रहा हूँ? समधि होने के बाद उनका अगर वो परिवारवाद का कुछ और विस्तार कर लेते वो तो फंसे हुए बेटे में, पहले मेरे बेटे को इस तरीके से बचा लो, बेटा आएगा। पिछली बार 2 का दुख हुआ था, इस बार भी बेटे का 1 का दुख तो होने वाला है, 9 के 9 भी हारेंगे और वो तो जरूर हारेंगे। सर आपने एक नारा दिया है मंच के माध्यम से, 25 मई कांग्रेस गई, 4 मई कांग्रेस भाई, किस तरीके से 25 मई कांग्रेस गई, 4 जून आई भाजपा भाई। लेकिन कांग्रेस भी इसी तरह का नारा दे रही है, 25 मई भाजपा गई, कुछ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता हमारी जो जनता हमारे साथ खड़ी है जो उसको देखना है कि कौन जाएगा कौन आएगा। आखिर ये तो जनता के दिल में हमारे प्रति जो प्यार है वो तो 1.5 महीना 1.25 महीना हो गया देखते हुए, अपार जनसभ जनता के बढ़ रहे हैं। अगर इस प्रकार की एक भी कोई रैली कांग्रेस की कहीं भी हुई हो आप मान ला के देखा दो, हमारी इस समय लगभग 70 रैलियां आज हो चुकी हैं। खट्टर साहब आपका करनाल है लोकसभा क्षेत्र, तो अपना उनका करनाल करनाल से लड़ रहे हैं अपना साहब करनाल ही है, आप करनाल से लड़ रहे हैं, अपने करनाल के बारे में बताओ जी, क्या हाल है करनाल का? देखिए करनाल में मैं लगातार जो कार्यक्रम किए हैं, मेरी रैलियाँ हो रही हैं, मेरे रोड शो हो रहे हैं, अपार जनसभा आ रहा है और सामने वाला जो कैंडिडेट है मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक अपराधी कैंडिडेट को खड़ा करके कौन सा पाले भगोड़ा घोषित हो गया जी, कांग्रेस सरकार नहीं है, कांग्रेस के त्याग को लेकर बात हो रही है। आम जो शेड्यूल बनता है मेरे साथी मेरा सहयोग करते हैं, मैंने उनको बताया कि मैं भाषण नहीं कर पाऊंगा ज्यादा, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता त्याग की बात करते हैं, कांग्रेस ने त्याग किया है 70 सालों में, चाहे राजीव गांधी के इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? त्याग नहीं है वो उनकी मजबूरी की भाष है कि जब उनको सीखने नहीं देता जनता उनको आती नहीं, वायनाड छोड़ के रायबरेली आ गए हैं, वायनाड को धोखा दे के आए, अब वायनाड बख्शेगा नहीं अमरेली कुछ मिलेगा नहीं। मित्रों उनको तो कुल मिलाकर के अपना का परिवार डर क्या सता रहा है कि साहबजादे को तो कालपोशी नहीं हुई, माँ रिटायरमेंट होने वाली है, आगे इस परिवार का बनेगा क्या? आखिर तो वहाँ राज कांग्रेस नहीं कर रहा, वहाँ राज कर रहा है नेहरू परिवार या इंदिरा परिवार, वो नेहरू इंदिरा परिवार का ही खानदान का राज है। ये अच्छा होता कि कांग्रेस में किसी और को आगे ले आते तो विपक्ष में कुछ दिखता भी सही। इस बार तो जो पिछली बार 52 सीटें थी 450 लड़ाई 52 आई, इस बार तो लड़ाने के लिए 272-273 मिल रही है उनको, बाकी लड़ाने के लिए नहीं है, अगर आधी लड़ाएंगे तो आएंगे भी आधी। फरीदाबाद करनाल में मुकाबला समझ रहे हैं? इस मुकाबले में हमारे कृष्णपाल भाई कृष्णपाल रूल तोड़ दिया, वो आगे आने चाहिए, वो नंबर उनका आना चाहिए, तो जीतेगा भाई जीतेगा, कृष्णपाल जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, मनोहर लाल भी धन्यवाद धन्यवाद हो गया हो गया। अपना क्या लग रहा है कि 10 में से कितनी सीटें थैंक यू सत्य सटीक बेबाक।